तब्दीली आ गई, हुकूमत के बड़े फैसले। गवर्नर हाउस के ग्राउंड को पब्लिक पार्क बनाने का फैसला। मॉल रोड पर गवर्नर हाउस की दीवार गिराकर खूबसूरत जंगला लगाया जाएगा। वजीर आला हाउस क्राफ्ट म्यूजियम बनेगा। चंबा हाउस बनेगा गवर्नर हाउस। स्टेट गेस्ट हाउस में 5-स्टार होटल बनाने का फैसला। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलानात। नवाज शरीफ की जाति उम्रा में अपनी रिहायशगाह से बाहर आमद। शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कुलसुम नवाज के नमाज जनाजा और तदफीन के इंतजामात का जायजा लिया। नवाज शरीफ ने अपने वालिद की कब्र पर हाजिरी भी दी। नवाज शरीफ मुख्तसर दौरे के बाद वापस अपनी रिहायशगाह पहुंच गए। जरा आंखें खोलो कुलसुम बाबूजी। कुलसुम बाबूजी। जाति उम्रा में सौक की फजा। ताजियत के लिए सियासी और समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर और मौलाना तारिक जमील भी पहुंच गए। मरियम औरंगजेब और मेयर की भी जाति उम्रा आमद। कुलसुम नवाज की वफात पर पूरी कौम गमजदा है। मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। बेगम कुलसुम नवाज की मैयत कल सुबह लाहौर पहुंचाई जाएगी। नमाज जनाजा शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में अदा किया जाएगा। मौलाना तारिक जमील शाम 5 बजे नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। मियां शरीफ के पहलू में सपुर्दे खाक किया जाएगा। रस्म कुल इतवार को होगी। पीपल्स पार्टी का वफ्द कुलसुम नवाज के जनाजे में शिरकत करेगा। नवाज शरीफ मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की इतवार तक पैरोल पर रिहाई। नकलो हरकत महदूद। नवाज शरीफ को बेगम कुलसुम नवाज के चेहलम तक अडियाला जेल मुंतकिल ना किया जाए। पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। शरीफ खानदान की मुल्क के लिए खिदमात मद्देनजर रखनी चाहिए। इंसानी हमदर्दी की बिना पर नवाज शरीफ की पैरोल पर रिहाई बढ़ाई जाए। करारदाद का मतन। बेगम कुलसुम नवाज की तदफीन तक सिक्योरिटी प्लान मुरतब। जाति उम्रा से अड्डा प्लॉट तक सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हसास इदारे कमांडोज और एलीट फोर्स के जवान ड्यूटी देंगे। 3 SPs 3 DSPs और 6 SHOs तैनात। 20 लेडी कांस्टेबल भी ड्यूटी देंगी। HSN कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे का ड्रॉप सीन। सूबाई वुजरा से मुलाकात के बाद प्रिंसिपल की गवर्नर पंजाब से मुलाकात। माइकल थॉम्सन ने इस्तीफा वापस ले लिया। गवर्नर चौधरी सरवर का कहना है प्रिंसिपल बगैर दबाव के काम करें, हमारा तावुन आपके साथ है, दाखले मेरिट पर होंगे। समनाबाद डिवीजन के मुअत्तल मुलाजमीन को बहाल करो। लेस्को हेडक्वार्टर के सामने वापदा पैगाम यूनियन का एहतजाज। मुजाहरीन की लेस्को इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हुकूमत का नए निजाम के तहत नए बल्दियाती इंतखाब की तजवीर पर गौर। बल्दियाती निजाम से मुतालिक लीगल टीम की कानूनी मुशावरत मुकम्मल। हुकूमत बल्दियाती नुमाइंदों को कानूनी तौर पर घर भेज सकती है। लीगल टीम ने नया बल्दियाती निजाम राइज करने के लिए नया सेटअप जरूरी करार दे दिया। नया निजाम लाकर नए बल्दियाती इंतखाब कराने पर किसी को एतराज नहीं होगा। ज़राए पंजाब हुकूमत। वजीर आला पंजाब का अरफा क्रीम IT टावर का दौरा। मुख्तलिफ हिस्से देखे। वजीर आला को चेयरमैन IT बोर्ड उमर सैफ की टेक्नोलॉजी से मुतालिक ब्रीफिंग। IT डिपार्टमेंट में मजीद बेहतरी लाने की हदायत। वजीर आला पंजाब ई खिदमत मरकज भी गए। शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। लोगों से मसाइल पूछे। उस्मान बुजदार का खिदमत मराकज के क्याम के दायरा कार में इजाफे का ऐलान। रायवंड रोड ताजाति उम्रा सड़क की गैर कानूनी तामीर का मामला। नैब का ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को रवा माह के आखिरी हफ्ते में तलब करने का फैसला। नैब ने केस में नवाज शरीफ को भी मुतादिद बार तलब किया मगर वो पेश न हुए। फिरोजपुर हाउसिंग सोसाइटी में अरबों के फ्रॉड का केस।
मुलजिम नजर मोहम्मद और नदीम अहमद की प्ली बार्गेन की दरखास्त मंजूर। एहतसाब अदालत का मुलजिमान की रिहाई का हुक्म। मुलजिमान की तरफ से 2 अरब 22 करोड़ 56 लाख रुपए की प्ली बार्गेन की गई। मुलजिमान ने प्ली बार्गेन की पहली किस्त के तौर पर 65 करोड़ रुपए जमा करवा दिए। महकमा सेहत में तकरियां और तैनातियां मेरिट पर की जाएं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मिन राशिद की जेर सदारत महकमा प्राइमरी हेल्थ का इजलास। महकमाना तौर पर ब्रीफिंग दी गई। मनावा में 6 अफराद पर तेजाब गर्दी का वाकया। मुतासरा खातून रानी की मुदायत में मुलजिम शफाकत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशत गर्दी के दिफात भी शामिल। पुलिस मुलजिम को तहाल गिरफ्तार ना कर सकी। बीवी नाराज होने पर सफाक शोहर ने बीवी बेटी सास और 2 बच्चों पर तेजाब फेंक दिया था। गुलरवान में 5 अफराद के कत्ल का मामला। मुलजिम जुल्फिकार इफ्तिखार हीरा इफ्तिखार वकार कदीर लियाकत और जबार इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत में पेश। मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 11 दिन की तौसी। मुलजिमों से आलाए कत्ल राइफल और क्लाशनकोव बरामद कर ली गई। तफ्तीशी ऑफिसर लॉर्ड मेयर से चाइना के 6 रुकनी वफ्द की मुलाकात। जिनान सिटी चाइना के साथ दोस्ताना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मेयर लाहौर को शहर में इन्वेस्टमेंट के हवाले से ब्रीफिंग दी। पाबंदी लग गया है, एक तो ये इंसान के लिए अच्छा भी, और एक 100 में से देखा जाए तो 10% बुरा है और 90% ये चीज़ अच्छी है। ये अच्छा इकदाम है कि छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल और ये रक्षा वगैरह नहीं चलाना चाहिए। बिल्कुल सही किया है, क्योंकि कम उम्र लड़का मोटरसाइकिल या रक्षा कोई भी चीज़ नहीं चला सकता, क्योंकि उसका आईडी कार्ड शनाची कार्ड नहीं पड़ा ही नहीं है। बिल्कुल सही फैसला है, नहीं होना चाहिए। कैसे किसी की जान ज़ाया हो जाए, क्या फ़ायदा, और सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए इसके ऊपर। बहुत अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए ऐसे। कानून के दायरे में रह के जो भी काम करना है कानून के दायरे में रह के करना चाहिए। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर पाबंदी खुशाइंद करार। शहरियों का हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का मुतालबा। एसपी सिटी आसिफ सदीक जीपीओ चौक पहुंच गए। शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही दी। पंफलेट और हेलमेट तकसीम किए। टोकन टैक्स की अदम अदायगी। महकमा एक्साइज का 1 अक्टूबर से 100% जुर्माना आयद करने का फैसला। टोकन टैक्स की अदायगी वाली गाड़ियों को बंद करने की हिदायत। मांगा मंडी के करीब नहर का बंद टूटने से 100 एकड़ से ज्यादा अराजी जेरे आब। डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने इमदादी कामों का जायजा लिया। नहर का बंद टूटने से 100 एकड़ से ज्यादा अराजी जेरे आब आ गई। मुहर्रम उल हराम में मजालिस और आजादारी का सिलसिला शुरू। इमाम बारगाह गुलिस्तान जहरा एबट रोड पर मजलिस। जाकरीन ने 2 मुहर्रम की मुनासबत से मसायब अहले बैत बयान किए। 9 और 10 मुहर्रम के लिए रेस्क्यू 1122 का प्लान जारी। योम आशूर पर 50 एम्बुलेंसेस मौजूद रहेंगी। 266 मोटरबाइक्स एम्बुलेंस 18 फायर फाइटिंग गाड़ियां भी स्टैंड बाय होंगी। मुहर्रम उल हराम का एहतराम। एशिया कप में पाक भारत मैच के दौरान बड़ी स्क्रीनें नस्ब करने पर पाबंदी। महकमा दाखला ने मुरासला जारी कर दिया। और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइनिंग के 51 तलबा में लैपटॉप की तकसीम। एमफिल के 8 जबकि बीएस के 43 तलबा ने लैपटॉप हासिल किए। वाइस चांसलर ने तलबा को शानदार कारकर्दगी पर सराहा।